जय जोहार, बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे फेवरेट बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ से केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलने वाले संभावित चेहरों पर चर्चा तेज हो गई है। बताया यह जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के किसी एक चेहरे को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है और इस रेस में सबसे ज्यादा वोटों से जीते ब्रजमोहन अग्रवाल, 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। उनका नाम है दुर्ग से लगातार दूसरी बार सांसद बने विजय बघेल। उसकी एक वजह यह भी कि वो भूपेश बघेल के रिश्तेदार भी हैं, उनका नाम चल रहा है। और संतोष पांडे, जिन्होंने भूपेश बघेल को हराया है राजनांदगांव से, उनके नाम की चर्चा तेज है। बताया जा रहा है कि तीनों में से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। और छत्तीसगढ़ से केंद्र में मंत्री बनाए जाने के सवाल पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट में छत्तीसगढ़ को जितनी भागीदारी मिले वो अच्छा है। जितने लोगों को मिले उतना अच्छा है। छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व वहां बढ़े, ये बहुत अच्छी बात है। और कुछ तो होगा, जरूर होगा, कुछ अच्छा ही होगा। विधायक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली के दौरे पर जा रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ से संभावित मंत्रियों के नामों पर चर्चा होनी है। विष्णुदेव साय दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर होने वाली बीजेपी की बैठक में शामिल होंगे। सीएम साय आज रात तकरीबन 9 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का ये पहला दिल्ली दौरा होगा। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलेगी किसे नहीं, जब इसे लेकर सीएम विष्णुदेव साय से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा ये प्रधानमंत्री का अधिकार क्षेत्र है। मंत्रिमंडल में किसे लेना है किसे नहीं ये प्रधानमंत्री तय करेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का अधिकार की बात है, अब मंत्रिमंडल में किनको लेना नहीं लेना उनका अधिकार की बात है। इधर रायपुर से ब्रजमोहन अग्रवाल को बड़ी जीत मिली है। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने जनता का धन्यवाद दिया, कहा डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश भी विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। जी छत्तीसगढ़ में आपने बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल की है, वही देश में भी टॉप 10 में आपका नाम है, जनता का बड़ा समर्थन आपको मिला है। मैं इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता, रायपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता, कार्यकर्ता और केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी, अमित शाह जी और हमारे जेपी नड्डा जी और पूरे केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो विश्वास व्यक्त किया जनता ने उस पर मोहर लगाई है। विधायक रहते आपका विजन, मंत्री रहते आपका विजन सबने देखा, आप सांसद बन गए हैं तो विजन क्या है सर? पहला हमारा विजन होगा समृद्ध छत्तीसगढ़ बनाना, विकसित छत्तीसगढ़ बनाना, विकसित भारत के साथ कदम ताल करना। कांग्रेस की हार को लेकर क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ में एक ही सीट मिली। देखिए कांग्रेस तो डूबती हुई नैया है, जो छत्तीसगढ़ को लूटेगा जनता उसको लूट लेगी। दिल्ली जा रहे हैं सर, केंद्रीय नेतृत्व ने बैठक बुलाई है उसमें हम जा रहे हैं जी। ये थे ब्रजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने कहा कि विकास की दिशा में रायपुर और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएंगे। आज बैठक में दिल्ली जा रहे हैं, इसके बाद आगे की योजना तय होगी। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर छत्तीसगढ़। और राजनांदगांव लोकसभा से दूसरी बार सांसद बने संतोष पांडेय ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया, कहा जनता ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया, डबल इंजन की सरकार देश को विकास की दिशा में आगे बढ़ाएगी। सर चर्चित सीट रही है देश भर में, बड़ी जीत एक तरीके से मान सकते हैं जी? ये जनता का आशीर्वाद रहा है और सबने पूरा राजनांदगांव अवधि से लेकर के चिल्फी तक की जनता का आशीर्वाद मिला है जी। फोकस किस पर रहेगा सर? अब माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत काम करने वाले हैं, रोड मैप तैयार है, राष्ट्र में अनेक बड़े बड़े निर्णय होंगे 17वीं 18वीं लोकसभा में जी। मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा हो रही है सर, आपका नाम चर्चा में है। ऐसा है, ये वरिष्ठों का है और हमें उसके विषय में किसी प्रकार की सोच नहीं रखनी है, ये काम उनका है जी। तो ये थे सांसद संतोष पांडे, जिन्होंने कहा कि जीत बड़ी है लेकिन विकास जो है वो जनता के लिए करना है और इसी पे आगे बढ़ते रहना है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर। इधर दुर्ग लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी विजय बघेल ने भी लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है, बड़ी जीत है। इसके बाद उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत की और कहा कि कांग्रेस को जनता ने सबक सिखाया है, डबल इंजन की सरकार देश प्रदेश को विकास की दिशा में आगे बढ़ाएगी। दूसरी बार जीत कर दिल्ली पहुंच रहे हैं विजय बघेल, उनसे सीधे चर्चा करेंगे। सर दूसरी बार संसद पहुंच रहे हैं, बड़ी जीत आपको मिली है,
दोगुनी खुशी, डबल इंजन की सरकार और आपकी जीत? देखिए, खुशी का अवसर है। हमारे कार्यकर्ता भाई बहनों ने जो मेहनत की है, जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिया है, उसका प्रतिफल है कि और अधिक मतों से जीतकर इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां पे परचम हासिल की। पूरी देश की नजर दुर्ग लोकसभा पर थी। एक तो आप लड़ रहे थे, दूसरा मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र था, और सबसे ज्यादा जो है प्रत्याशी वहां से थे। आप जीते, बाकी सारे हार गए। देखिए, ये तो जनता जनार्दन जिसको चाहेगी उसको बनाएगी। 5 साल जो मैंने लोगों के साथ एक प्रेम का संबंध, दिल का संबंध, एक पारिवारिक संबंध जो बनाया, आज उसी का प्रतिफल है कि लोगों ने फिर से एक बार मुझ पर विश्वास किया। विजय बघेल पर लोगों का भरोसा काफी है, फोकस अब किस पर रहेगा सर आपका? डबल इंजन की सरकार है। पिछली बार तो विसंगति थी, यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, बहुत कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब बहुत कुछ करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और माननीय विष्णुदेव साय जी के सरकार के साथ मोदी जी की सरकार का जो तालमेल है, उसकी मध्यस्थता रूप में हम लोग काम करते हुए अपने क्षेत्र को, इस छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएंगे। अब वो उनका चिंतन करने का विषय है, वो तो बिखर गए हैं। अभी कह रहे थे कि सारी सूरमाओं को लड़ाए थे, सारे सूरमा लड़े थे ना इधर उधर, सबको चूरमा बना के रख दी जनता ने आके, और सब कार्यकर्ता ने चूरमा बना के रख दी। ये थे विजय बघेल, जिन्होंने कहा कि विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे। वहीं जो है कांग्रेस पर निशाना साधा है, खुद की सीट भी बचा नहीं पाए, छत्तीसगढ़ में जनता ने फिर से उन्हें नकार दिया है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर। इधर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर पार्टी के वरिष्ठ नेता धनेंद्र साहू ने अपनी पार्टी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पार्टी को हार की समीक्षा करनी चाहिए, बड़े चेहरों को लड़ाने की सहमति थी, कोई व्यक्ति बाहर जाकर चुनाव लड़े इसे लेकर सहमति नहीं थी। चुनाव में बाहरी उम्मीदवार मुद्दा बन गए। दुर्ग लोकसभा में मंत्रिमंडल से 4 से 5 लोगों को जगह मिली थी, वहीं से इतनी बुरी तरह से हार गए, बाहर जाकर लड़े इस पर सहमति नहीं थी, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। मंत्रिमंडल में भी दुर्ग संभाग को बहुत बड़ी प्राथमिकता मिली थी, लगभग 5-6 मंत्री वहां से बनाए गए थे, और अभी लोकसभा की चुनाव की टिकट में भी 4-4 लोगों को वहां से प्रत्याशी बनाया गया, और उसी दुर्ग से अब 4,37,000 वोट से हार रहे हैं। ये तो और भी अधिक चिंता का विषय है कि सारे नेता वहाँ दुर्ग जिले से पूरे प्रदेश में फैल गए, दुर्ग जिला में क्या कोई कार्यकर्ता बचे नहीं क्या कार्य करने के लिए, कोई नेताओं ने कोई यहाँ पर समय नहीं दिया गया दुर्ग संभाग के नेताओं ने, आखिर इतनी बड़ी हार दुर्ग से क्यों हुई, ये भी समीक्षा का विषय भविष्य में होनी चाहिए। सारे बड़े चेहरे इस चुनाव में उतरे, लेकिन उसके बावजूद भी हार क्यों हो गई। आज भी हमारे लगभग 34-35 विधायक हैं, और उसके बावजूद भी सभी विधायकों के क्षेत्रों में भी बहुत सारे यहाँ पर हारना जो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। इधर बिलासपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र यादव के हारने पर पूर्व पार्षद प्रत्याशी ने अपना मुंडन करा लिया। शैलेंद्र निर्मलकर ने चुनाव के दौरान ये शर्त लगाई थी कि देवेंद्र यादव के हारने पर मुंडन करवाएंगे, मूछ मुंडवा लेंगे। 4 जून को रिजल्ट आया, देवेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा, और इसके बाद पूर्व पार्षद शैलेंद्र निर्मलकर ने अपना मुंडन करवाया, मूछ मुंडवा ली।